हेलो दोस्तों, मेरा नाम इलियास है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ी एक न्यूज़ देने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे ब्लॉग चैनल में देखे होंगे कि मैंने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में वहां पर जाकर एक ब्लॉग वीडियो बनाया था और उस वीडियो को बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किस तरह से बन रहा है, इसके अंदर किस तरह से लोग जा पा रहे हैं, सारी जानकारी उस वीडियो में आपको दिया था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं हमारे ब्लॉग वाले चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कब तक शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, ऐसे जितने भी देश हैं, अरबियन कंट्री हैं जहाँ पर भारत के लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक फ़ायदा हो जाएगा कि वो लोग सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िला के आसपास के एयरपोर्ट पर आ जाएंगे, बहुत ही आसानी से अपने सफ़र को तय करेंगे। इससे रिलेटेड इस वीडियो में बात करूँगा। दोस्तों, ये जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये 1995 से चला आ रहा है, यानी कि इसका जो उद्घाटन की बात करें तो ये 1995 में इसका उद्घाटन हुआ था। अभी उस समय कुशीनगर जिला नहीं था, इसका नाम था पडरौना, पडरौना जनपद पडरौना पड़ता था तब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का, यानी कि 25 वर्ष पहले कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। और फाइनली 25 वर्ष बाद कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट आएगी। हाँ दोस्तों, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट बहुत ही जल्द आएगी। इसके संबंध में बहुत सारे यहाँ के DM, सांसद, ये जितने भी लोग हैं, हमेशा एयरपोर्ट के बारे में नज़र रखते हैं कि कब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कौन सा काम है जो नहीं हुआ है। और इस समय बहुत ही तेज़ी से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम चल रहा है। दोस्तों, पिछले सप्ताह मैं वहाँ पर गया था कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, वहाँ देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर काम कर रहे हैं और आम पब्लिक को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कई ऐसे वहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अंदर जितने भी सामान होते हैं, जैसे कि ईंट, बालू, मिट्टी, इस तरह का सामान अंदर जा रहा था, आ रहा था। और दोस्तों, इस समय जो उसका काम चल रहा था, वो वेटिंग एरिया होता है, जो लोग जहाँ पर बैठते हैं, वेट करते हैं, वो एरिया बन रहा था। तो दोस्तों, यहाँ से हम उम्मीद बना सकते हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब शुरू हो ही जाएगा। और दोस्तों, बात करें कि एग्जैक्ट कब तक शुरू होगा, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसी मंथ में पहली फ्लाइट आ सकती है। हाँ दोस्तों, होप, यानी कि पूरा मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन इस सप्ताह में पहली फ्लाइट आ सकती है। और दोस्तों, इसका भी लाइसेंस की बात करें तो अभी इसका लाइसेंस मिला नहीं है, लाइसेंस जो है वो अभी प्रोसेसिंग में है। तो होप देखते हैं कब पहली फ्लाइट आती है। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो आप किस जिला के हैं नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।